हेलो, नमस्कार साथियों। मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कोने से टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो आज ही आपका अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आया हूं, कुछ एनालाइज करने वाला हूं आप लोगों के लिए, तो वीडियो के साथ बने रहिए। जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है और इसके बाद जो मरीजों के साथ जो कहानी घटती है रोजाना, तो वो उस सबसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपरिचित है। जैसा आप जानते हैं, एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर डेली मतलब इस तरह की हमें अपडेट देते रहते हैं कि कभी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उस पेशेंट का जो इलाज होना है 5 साल बाद होगा, ऑपरेशन 8 साल बाद होगा, या मतलब बच्चों को नए नए बहाने लगाकर स्कूलों से भगा दिया जाता है। तो इस तरह मुझे नहीं लगता कि न्यू वैकेंसीज आने वाले समय में आ पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से रिजल्ट को अच्छा करने के लिए मतलब एक आप समझ सकते हैं कि अच्छे रिजल्ट के लिए वो क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल से ही भगा देते हैं। बच्चा फेल हो गया तो उसे एडमिशन नहीं देंगे, तो इस तरह तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अगर हम टॉपर बच्चों को ही लेंगे या ऐसे बच्चे जो अच्छे हैं पढ़ने में, तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिक अच्छा आएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ये सारी चीज़ें राजनीति का ऐसा गंदा खेल चल रहा है कि इसमें बच्चों का जो भविष्य है वो खराब हो रहा है। ये लगाओ 4 लाख के लगभग जो बच्चे हैं उनको मतलब एडमिशन नहीं दिया पिछले कुछ सालों में, तो ये बहुत बड़ी और गंदी कहानी है। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मतलब थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हालांकि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उन बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता। एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर मतलब बार बार ऐसी कोशिश करते रहते हैं, उन बच्चों को हक दिलाते हैं, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस सिस्टम को भी सोचनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अशोक अग्रवाल सर जैसा कार्य नहीं कर सकता। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उन तक पहुँच ही नहीं पाते। तो इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, अभी हम बात करते हैं ज्वाइनिंग। आपको पता है कितना समय हो जाने के बावजूद भी मतलब अभी तक बच्चों की जो टीचर्स लगे हमारे नए, उनकी ज्वाइनिंग तक नहीं हुई है। मतलब कुछ ही पोस्ट कोड को छोड़ के मतलब और ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ऐसा क्या कारण है? कारण मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, जो मेरा मानना है, अगर मतलब ऑर्डर स्ट्रिक्टली हो तो अपने आप काम बहुत जल्दी होगा, लेकिन ये सिस्टम क्या है कि मनमानी कर रहे हैं अपनी, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों के साथ या कैंडिडेट्स हैं जो उनके साथ गलत है, और इससे टीचर्स के साथ तो गलत है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीचर्स ही नहीं मिल पा रहे तो वो क्या पढ़ेंगे। अभी 43,000 के अराउंड वैकेंट पोस्ट है, लेकिन उनको भरने के लिए अभी एलजी साहब ने तो ऑर्डर दिया है, लेकिन ये चीज़ें घूम फिर के वहीं आ जाती हैं। हालांकि हम प्रयास जरूर करेंगे, आगे के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक बात करते हैं ज्वाइनिंग। अभी बात हो रही थी कि अक्टूबर तक ज्वाइनिंग होगी, लेकिन पता ही नहीं कब होगी या नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम को देख के मुझे तो लगता नहीं कि अक्टूबर तक भी सारी ज्वाइनिंग हो पाएंगे। अब ये लगाओ 2-2.5 साल होने के बावजूद भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इतनी गलत हैं, मैं बता नहीं सकता शब्दों में कि यार क्या सिस्टम है। तो ये राजधानी के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें सही है। इसके बाद मेडिकल होता है कैंडिडेट्स का, उन टीचर्स का, वहाँ पर मशीन ही नहीं होती, इसके बाद उन्हें बार बार घुमाया जाता है, कुछ मतलब जो पेंडिंग में रह गए वो पेंडिंग में ही हैं। मतलब ये चीज़ें बड़ा गंदा सिस्टम है। अगर ये चाहें तो मैं बता रहा हूँ 5-6 महीने के अंदर सारी प्रक्रियाएँ पूरी कर सकते हैं। 1 साल लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा, कि 1 साल के अंदर नोटिफिकेशन निकाल के, एग्ज़ाम लेके, रिजल्ट दे के ज्वाइनिंग तक ये करा सकते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते ये लोग। तो कहीं ना कहीं अगर स्टाफ की कमी है तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इनको स्टाफ दें, और अगर इनमें कहीं कमी है तो इसके लिए इनको एक्शन लेना चाहिए। जैसे हमने मांगे रखी हैं कि अगर कोई मतलब बोर्ड ज्वाइनिंग में टाइम लगाता है तो उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए, मतलब पहले ही फिक्स होना चाहिए लगभग क्या इतने टाइम में मतलब ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं कि शिक्षक अच्छे नहीं मिलना। अब वो काफ़ी ऐसे टीचर्स होते हैं जो मतलब प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता एग्ज़ाम कब होगा, फिर 1 महीने में क्या प्रिपरेशन होगी। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं गलत है। तो ये अपडेट है आप लोगों के लिए। इस सिस्टम के लिए ज़रूर मतलब दिल्ली सरकार भी जिम्मेदार है, तो आप भी अपने व्यूज जरूर दें कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो फ्रेंड्स, यही अपडेट है आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे
मात्रा।